अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिसेज अली, आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU मलिक एजुकेशन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो कोड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो 5610 है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और बताए कि इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। कुल नंबर 100 होते हैं, 100 में से 40 नंबर लेना लाजमी होते हैं। अगर आप 40 से कम नंबर लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। मगर फ्रेंड्स, अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते और आप सोच रहे हैं कि पेपर दे के आप पास हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको असाइनमेंट जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट आपने जमा नहीं करवाई तो फिर आपको इस किताब का दोबारा से एडमिशन भेजना होगा। इसमें कुल 8 सवाल होते हैं जिनकी में से 5 के जवाब देना आपको लाजमी होता है। फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले अपनी बुक को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। हमारा क्वेश्चन बताने का मकसद यह है कि आपकी मदद हो सके, मगर अपनी बुक को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। अपनी बुक को आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को और इसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 से 4 पेजेस लिखने हैं। कोशिश करें हेडिंग दे लें, हेडिंग दे के लिखते हैं तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें आप लोग। इसके अलावा हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें, ये ना हो कि एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, उस पर आपने 5-6 शीटें कवर कर दी, लास्ट के लिए टाइम ना बचे। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने शुरू में ही अपने क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की का फ़ायदा नहीं होता, वो कट हो जाता है और क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। इसीलिए आपने कोशिश करनी है अपने 5 के 5 क्वेश्चंस को मतलूबा वक्त में हल करें। लाजमी नहीं आप बुक से वर्ड टू वर्ड लिखें, आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कहीं और से मवाद दिया हुआ आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।